हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिल एक्सेल डाटा एक्सटेंशन के अपडेट के बारे में देखेंगे, जो कि आपको फॉर्म साइट में एक्सेल डाटा को भरने में मदद करेगा। अगर आपने इस एक्सटेंशन की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सटेंशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पर क्लिक करके आप एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज को ओपन करते हैं। इस एक्सटेंशन के पिछले वर्जन में हम अपने फॉर्म यूआरएल को इस पेज में इंसर्ट करते थे और इसके बाद एक्सेल शीट को फॉर्म फील्ड के अनुसार क्रिएट करते थे और इसी ही पेज पर उस एक्सेल फाइल को भी अपलोड करते थे। लेकिन अब आपको एक्सेल शीट को क्रिएट नहीं करना होगा, तो इसके लिए आपको अपने फॉर्म पेज पर आ जाना है। इस पेज को हम रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद पेज पर राइट क्लिक करते हैं। इन ऑप्शंस में हम फिल एक्सेल डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके फॉर्म का यूआरएल एक्सटेंशन में इंसर्ट हो जाएगा और ऑप्शन पेज भी ओपन हो जाता है, जिसमें आप इंसर्ट हो चुकी साइट को देख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से फॉर्म वाली साइट पर जाना है और फिर से पेज पर राइट क्लिक करके जनरेट एक्सेल टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको फॉर्म की फील्ड के डाटा के अनुसार आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाने के बाद इस फाइल को ओपन कर लें। एक्सेल शीट की फर्स्ट शीट में फॉर्म की फील्ड के अनुसार सभी कॉलम्स बन जाते हैं जो हमें पहले बनाने होते थे, और इन कॉलम के नीचे ही हमें अपने डाटा को भरना होता है जो हम ऑनलाइन फॉर्म में भरवाना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सिलेक्ट फील्ड में डाटा को किस तरह भरना है, तो जैसे ही हम उस कॉलम पर जाएंगे हमें एक्सेल कमेंट्स के रूप में उस फील्ड में डाटा को किस फॉर्मेट में भरना है वह भी दिखाई देगा, और चेकबॉक्स की वैल्यू को किस रूप में एक्सेल में भरना है वह भी दिखाई देती है। फील्ड में डाटा को किस तरह से भरना है उसका दूसरा तरीका है कि आप उस एक्सेल फाइल की दूसरी शीट जिसका नाम है हेल्प, इसे ओपन करें, जिसमें फॉर्म की फील्ड बाई डाटा को किस रूप में भरना है उसकी वैल्यू दी होती है। फॉर्म में जो सिलेक्ट बॉक्स होता है उसे हम दो तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन का नाम और ऑप्शन की वैल्यू के द्वारा। इसलिए ही इस सिलेक्ट कॉलम के नीचे दो कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में ऑप्शन का नाम है जो हमें फॉर्म में शो होता है, जबकि दूसरे कॉलम में ऑप्शन की वैल्यू होती है जो हमें फॉर्म में शो नहीं होता है। अगर आप सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन बन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वैल्यू के अनुसार एक देना होगा, इसी तरह ऑप्शन दो के लिए वैल्यू दो को फर्स्ट सीट में इसी नाम के कॉलम में भरना होगा। इसी तरह हम दूसरे सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन को चुन सकते हैं और इन कॉलम्स के लिए डाटा को भी इसी कैरेक्टर्स में देना होगा। एक्सेल फाइल की तीसरी शीट में फॉर्म की फील्ड के सभी एड्रेस होते हैं, जिससे आपको मैन्युअली फॉर्म की फील्ड को एक्सेल शीट के कॉलम से लिंक करना नहीं पड़ेगा, और अगर आप इस शीट को डिलीट कर देते हैं तो आपको मैन्युअली फील्ड को एक्सेल के कॉलम से लिंक करना होगा, जिस तरह हम पिछली वीडियो में करते थे। फिलहाल हम इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देते हैं। एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज में हमारी फॉर्म साइट का यूआरएल इंसर्ट हो चुका है। अब बारी है एक्सेल शीट को अपलोड करने की। तो एक्सेल शीट को अपलोड करने से पहले हम एक्सेल शीट में डाटा को भर लेते हैं जो डाटा फॉर्म में फीड करवाना है। तो दोबारा से हम उस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस फाइल की पहली शीट में कॉलम्स के अनुसार डाटा को भरते हैं इस तरह से। सिलेक्ट बॉक्स में ऑप्शन की वैल्यू के अनुसार ही डाटा को भरें और मल्टी सिलेक्ट बॉक्स में ऑप्शन की वैल्यू को कोमा के द्वारा मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करवाने के लिए जो वैल्यू आपको भरनी है वह वैल्यू उस कॉलम के ऊपर अगर आप माउस लेकर जाएंगे तो शो होती है, जैसे कि इस कॉलम के लिए रीडिंग, अगले कॉलम के लिए म्यूजिक और इस कॉलम के लिए गेमिंग की वैल्यू को देते हैं। इस कॉलम में हमें केवल एक ही ऑप्शन को चुनना होता है, तो वैल्यू को भी हमें एक ही भरना होगा, जैसे कि सिंगल, और एग्री के कॉलम में हमें केवल वैल्यू के अनुसार एक ही देना होगा। इसके बाद हम इसमें और डाटा को भी भर लेते हैं इस तरह से।
एक्सेल फाइल में डाटा को भरने के बाद एक्सेल फाइल को सेव कर देते हैं और ऑप्शन पेज में अपलोड के बटन पर क्लिक करके एक्सेल फाइल को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद दूसरे टैब पर जाते हैं और इस फैच कॉलम्स के बटन पर क्लिक करके एक्सेल फाइल के सभी कॉलम्स को फैच कर लेते हैं जो हमें नीचे की तरफ शो होते हैं। इन कॉलम्स में फील्ड का एड्रेस भी हमें शो होता है, यानी कि अब हमें कॉलम को फॉर्म की फील्ड से लिंक करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम पेज के तीसरे टैब को ओपन करते हैं और फैच एक्सेल डाटा के बटन पर क्लिक करके एक्सेल शीट के डाटा को फैच कर लेते हैं। एक्सेल डाटा को फैच करने के बाद हम अपने ऑनलाइन फॉर्म में जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक्सेल शीट का डाटा हमारे फॉर्म में फीड हो जाता है। अब हमें पेज के नीचे की तरफ एक्सटेंशन की स्टेटस बार भी शो होगी, जिसमें हमें शो होगा कि एक्सेल शीट की कौन सी रो का डाटा फॉर्म में इस समय फीड है और टोटल कितनी रो हैं। इसके बाद हम ऑप्शन पेज में जाकर फर्स्ट एंट्री के सेव चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं, जिसके बाद ये एंट्री फॉर्म में फीड नहीं होगी। इसके बाद की एंट्री फॉर्म में फीड होगी और नीचे स्टेटस बार में भी देख सकते हैं कि एक्टिव एंट्री में हमें नंबर 2 शो हो रहा है, यानी कि इस समय दूसरी एंट्री फॉर्म में फीड हो चुकी है। इसके बाद हम फॉर्म को सबमिट करके एंट्री को सेव कर देते हैं और एंट्री सेव होने के बाद हमें ये सक्सेस मैसेज प्राप्त होता है। हम इस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं और ऑप्शन पेज में जाकर साइट के एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें साइट को एडिट करने के लिए एक मॉडल ओपन होता है, जिसमें हमें नीचे की तरफ सक्सेस मैसेज की फील्ड दिखेगी। इसमें हम मैसेज को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद सक्सेस URL की फील्ड में उस पेज का URL देते हैं जिस पेज पर हमें ये सक्सेस मैसेज प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम साइट के डाटा को सेव कर देते हैं। सक्सेस मैसेज को देने के बाद अब अगर आप एंट्री को सबमिट करते हैं और एंट्री सेव होने के बाद जैसे ही हम पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो अगली एंट्री फॉर्म में फीड हो जाती है। इसी तरह से हम इस एंट्री को भी सबमिट कर देते हैं। एंट्री सेव होने के बाद फिर ऑप्शन पेज में जाकर देखते हैं तो आपको उन एंट्री के सेव चेकबॉक्स चेक मिलेंगे जो एंट्री सेव हो चुकी है, और इस तरह हम एक्सेल डाटा को फॉर्म में फीड करवा सकते हैं। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप इस टैब पर जाकर किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।